हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भगवान पाठक और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हैरली डेविडसन फैट बॉब, जो कि हैरली डेविडसन की एक सॉफ्ट टेल बाइक है। तो पहले हम इसका रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हो, यह है हैरली डेविडसन की यह कीलेस एंट्री है। इसको कहीं पर भी लगाने की जगह नहीं है गाड़ी पे। आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे भी आप की नहीं लगा सकते हो। तो आपको ये की अपने जेब में रखनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप ये गाड़ी चला सकते हो। आप देख सकते हो ये की मेरे हाथ में है और यह इंजन ऑन। और ये तो सिर्फ आपको जेब में ये की रखनी है। आगे से हम देखते हैं, ये है हैरली डेविडसन फैट बॉब। इसका शेप देख सकते हो आप, ओवल शेप है। सामने एलईडी लाइट है तो बहुत ही बेहतरीन लुक इसको मिलता है। ये हैरली डेविडसन की सॉफ्ट टेल सीरीज में आती है। तो आगे के पोर्शन में हम आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यह 16 इंच डाइकास्ट अलॉय व्हील है। उसके साथ टायर का साइज देख सकते हो आप, ये 150/80 सीरीज का टायर है जो कि बहुत ही ब्रॉड है। आपको गड्ढे महसूस नहीं होंगे और आप आसानी से इसको चला सकते हो। अगर हम फोक्स की बात करें तो यह अपसाइड डाउन फोक्स है जो कि बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं। आगे आपको ड्यूल डिस्क मिलेगा, एक यहाँ पे है, दूसरा अदर साइड पे है। तो आगे आपको दो डिस्क मिलेंगे। तो चलिए हम इंजन की तरफ आते हैं। आप देख सकते हो इंजन बहुत ही बढ़िया इंजन है इसका। वी ट्यून शेप में आता है यह इंजन और ड्यूल सिलेंडर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रॉन्ज लेवल का क्रोमिंग, तो ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया है। इंजन मिलवॉकी 8 करके आता है, हैरली डेविडसन का बहुत ही बढ़िया इंजन है। इसकी सीसी की अगर हम बात करें तो 1745 सीसी इसका इंजन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सस्पेंशन नॉब है, इससे आप अपना सस्पेंशन भी सेट कर सकते हो। तो ये है इंजन का स्पेसिफिकेशन। अगर हम इसकी न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें तो 145 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है 3250 आरपीएम पे। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 120 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। अगर हम साइड पीछे के पोर्शन में आए तो आप देख सकते हो ये ड्यूल एग्जॉस्ट है, क्रोम किया है इसके ऊपर। और पीछे की साइड अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया टायर है। पीछे का सेक्शन आता है 180 सीरीज का ये सेक्शन है और 16 इंच डाइकास्ट आपको अलॉय मिल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाया है। पीछे सस्पेंशन आता है मोनोशॉक, जो भी सॉफ्ट टेल सीरीज है हैरली डेविडसन की, पीछे का सस्पेंशन आपको मोनोशॉक ही मिलेगा पर वो आपको दिखेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है। अगर हम सीट की बात करें तो राइडर के लिए बहुत ही बढ़िया सीट है। पिलियन सीट कुछ कम है,
ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कोई भी अगर पीछे बैठना चाहे तो वो आसानी से प्रॉपर नहीं बैठ सकता है। अगर हम गाड़ी की टैंक की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया शेप में है। यहाँ पे आपको हार्ली डेविडसन की बैजिंग देखनी पड़ेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ली डेविडसन की बैजिंग है। यहाँ पे आपका डिजिटल मीटर है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल मीटर है, यहाँ पे आपको दिया है 569 564 माइल्स ये चली हुई है। उसके बाद आपको ए ट्रिप दिखा रहा है, यहाँ पे बी ट्रिप दिखा रहा है और ये रेंज दिखा रहा है, मतलब इस टंकी में जितना भी पेट्रोल है उसके ऊपर ये 125 तक जा सकती है। तो इस तरीके का ये डिजिटल टैकोमीटर है, ऊपर ABS का सिंबल है आप देख सकते हो, और इसका जो हैंडल है वो एडजस्टमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप अपना हैंडल एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन राइडिंग पोजीशन के हिसाब से आप इसको लॉक कर सकते हो और आप अपनी राइड बेहतर बना सकते हो। अगर हम क्लच की और ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं दिया है, तो कंपनी ने जो भी बनाया है उसके हिसाब से ही बनाया है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे है इंडिकेटर, टिपिकल टाइप इंडिकेटर कंपनी ने बनाया है और ये गाड़ी को बहुत ही बढ़िया लुक देता है। तो ये रही हार्ली डेविडसन फैट बॉब बाइक। यह बाइक जैसे आप रोड में उतरोगे तो एक बैटमैन की तरह लगती है, पीछे से बहुत ही बढ़िया लुक देती है। तो इस तरीके की ये है फैट बॉब। अगर आपको का सिटिंग पोजीशन देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कैसे बैठ रहा हूँ, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके का फीलिंग मिलेगा बैठने में, और आपको इसे ऊपर पाँव रखने पड़ेंगे। इस तरीके का इसका सिटिंग पोजीशन है, अपने हाथ भी बहुत ही बेहतरीन तरह से स्ट्रेट रहते हैं, आपको इस मिरर में पीछे का व्यू भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके का इसका सिटिंग पोजीशन। अगर ये हार्ली डेविडसन का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।